कोल्ड, कफ एंड फीवर विंटर्स में होने वाली एक आम समस्या जो नॉर्मली बच्चों को अपनी चपेट में ले लेती है। विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और कोविड-19 की सेकेंड वेव ने दस्तक दे दी है। ऐसे में पेरेंट्स के आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस पैंडेमिक में अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अभी भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनमें अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए वो बाहर जाते समय अपने बच्चों को मास्क नहीं पहनाते। तो क्या है इनसे बचने के तरीके, क्या है वो सिम्टम्स जिनसे हम ये पता लगा सके कि बच्चे में कोविड का इन्फेक्शन है या नहीं, और बच्चों में कोविड की टेस्टिंग कैसे होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आज हमारे बीच में है जानी मानी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजश्री जोशी शानबाग, जो 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ इस टफ सिचुएशन में भी, इस पैंडेमिक में भी अपने पेशेंट्स का बहुत ही प्यार से और डेडिकेशन के साथ ट्रीटमेंट कर रही है। तो आइए हम डॉक्टर राजश्री से बात करते हैं और पता लगाते हैं कि बच्चों में कोविड के सिम्टम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और इस सीजन में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वेलकम बैक डॉक्टर जोशी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। ओके डॉक्टर, आज हमारे पास कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं जो मैं अब आपसे पूछना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो पहला सवाल जो कोविड-19 से रिलेटेड है वो है कि बच्चों में कोरोना वायरस कैसे फैलता है। बच्चों में और बड़ों में मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो सेम ही है, इट्स बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो बच्चों को भी उतना ही रिस्क है जितने बड़े को है। ओनली थिंग इज, अभी फिलहाल तो ऐसे समझ में आ रहा है कि बच्चों में सिम्टम्स कम आते हैं, उन्होंने उन लोगों में सीवियर इन्फेक्शन या सीवियर इलनेस का प्रॉब्लम्स कम है, पर वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। और एक बार वो इन्फेक्ट हो जाए दे आर वो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं अगले 14 दिनों तक, क्योंकि 14 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो बच्चों में सिम्टम्स कम होने के बावजूद वो दूसरे को ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो बच्चों में भी बाकी लोगों की तरह ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जैसे बड़ों में है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइजर का यूज करना, अपने हाथ को क्लीन रखना, आंखों में, नाक में या मुंह में हाथ नहीं लगाना, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे बड़ों में होता है। तो ट्रांसमिशन जैसे बड़ों में है वैसे ही बच्चों में है, पर सिम्टम्स जो सीवियरिटी बड़ों में दिखती है उतनी बच्चों में नहीं दिखती है। पर जो बच्चे जिनको डायबिटीज हो या जिनको इम्यूनिटी कम हो, जैसे कि जो स्टीरॉयड पे है या जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, इनको इन्फेक्शन का और सीवियरिटी का उतना ही चांस रहता है। पेरेंट्स को इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, और जैसे आपने बताया कि मास्क और सैनिटाइजर का यूज जैसे बड़े करें जितनी फ्रीक्वेंटली, उतनी फ्रीक्वेंटली बच्चों में भी ये करना पड़े। डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का टेस्ट बच्चों में कैसे किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जैसा दिखाते हैं कि बड़ों में जिस तरह से टेस्टिंग चल रही है कोविड की, बच्चे घबरा जाते हैं, तो शायद बहुत सारे पेरेंट्स भी इसीलिए अवॉइड कर देते होंगे। तो आप प्लीज कुछ बताएंगे कि बच्चों में किस तरह से ये टेस्टिंग होती है। टेस्ट तो सेम है, वो थ्रोट में से ही लेना पड़ता है, वो बच्चे हो या बड़े हो। तो स्वैब टेस्ट ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग को एंटीजन देखना है, और इसके लिए वो आरटीपीसीआर के लिए सैंपल सलाइवा ही होता है या नेजल सिक्रीशन होता है। जैसे नाक में जो बलगम निकलती है उसका टेस्ट करना जरूरी है अगर वो कोरोना हो तो। जैसे अगर हम लोग को लगे कि बच्चों में यही सिम्टम्स है, जैसे कोविड सजेस्टिव है या उनके घर में ऐसा कोई पॉजिटिव केस आया है, तो बच्चों को भी टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। ये डरने जैसा है, इसमें कुछ है नहीं, ये सिंपल स्वैब टेस्ट है। वो स्वैब उन्होंने नाक से डालते हैं ताकि वो नाक का पीछे का मिरर वॉल और सामने का तीनों में से सैंपल ले सके, और वो मुंह से भी सैंपल लेते हैं सलाइवा का, जो गाल अंदर के साइड से चीक्स पे रहता है, गाल के अंदर के साइड पे म्यूकोसा जो रहता है वहां से भी सलाइवा का सैंपल लेना जरूरी है।
ये बेसिकली एंटीजन टेस्ट है, मतलब ये दिखाता है कि अभी फिलहाल वो इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो ब्लड टेस्ट है, ये टेस्ट बाद में किया जाता है क्योंकि वो सजेस्ट करता है कि इनको इन्फेक्शन होके गया है कि नहीं। अगर जिनको होके गया है उनमें एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, पर ये एंटीबॉडीज एटलीस्ट 3 हफ्ते के बाद डेवलप होते हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट अभी करेंगे तो फायदा नहीं है, जब सिम्टम्स रहता है वो एंटीजन टेस्ट ही होता है। इस एंटीजन टेस्ट को RT-PCR बोलते हैं और वो स्वैब टेस्ट है। अगर हम लोग को देखना है कि वो पॉपुलेशन में कितने लोग इन्फेक्टेड है जिनको होकर गया है, क्योंकि बहुत सारे असिम्टोमेटिक केसेस भी रहते हैं कोविड में जिनमें कुछ दिखाई नहीं देता है पर वो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, तो अभी फिलहाल ये देखना भी जरूरी हो गया है कि एंटीबॉडीज किस किस में तैयार हो गए, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी इम्पोर्टेंट है अगर हम लोग को आगे का सोचना है तो, जैसे कि स्कूल ओपन करना हो या बाकी के जगह जहाँ क्राउड होने के चांसेस हो, शादियां हो, इन जगह सब चीजों में अगर हम लोग को देखना है कि ये अलाउ कर सकते हैं कि नहीं, तब हम लोग को ये जरूरी होता है कि एंटीबॉडी टेस्ट करके देखें कि कितना पॉपुलेशन पॉजिटिव हो चुका है। अगर एंटीबॉडीज मैक्सिमम लोगों में पॉजिटिव हो जाती है इसका मतलब है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो आपने अभी नाम लिया हर्ड इम्यूनिटी का, तो बस मैं ये पूछना चाहूंगी, शायद मेरे जैसे और बहुत से लोग होंगे जिनको क्लियर नहीं होगा कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, आप प्लीज। हर्ड इम्यूनिटी मतलब पॉपुलेशन में अगर हम लोग ले 100 लोगों को ले, उसमें से अगर 80 लोगों को का एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हो, मतलब उसका मतलब है वो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और उन लोग में प्रोटेक्शन डेवलप हो चुका है, तो इसका मतलब है वायरस का ट्रांसमिशन होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि ये जो 80 लोग है वो इम्यून हो चुके हैं। तो अगर वायरस अगर सर्कुलेशन में हो भी तो ये 80 लोगों को वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो इम्यून हो चुके हैं। तो जब वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, ये वैक्सीन का भी यही काम है कि वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करता है, मतलब अगर आप 100 लोगों को इम्यूनाइज करते हो तो उसमें से एटलीस्ट 80-85% लोग अगर एंटीबॉडी डेवलप कर चुके हैं तो आपका वायरस का ट्रांसमिशन होना, मतलब एक से दूसरे को फैलना कम हो जाता है और ये इसका जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है, तो हम लोग को आगे का स्टेप्स लेने में इजी पड़ता है। यस, इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अभी डॉक्टर नेक्स्ट यही क्वेश्चन था जो कि आपने शायद अपनी बात के बीच में बताया भी है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स। एक्चुअली हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट आई थिंक कि एक बार पेरेंट्स को वापस से ये बताना और समझाना जरूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं जिससे वो पहचान कर सके। तो प्लीज आप एक बार हमारे पेरेंट्स को और बताइए कि ये जो कोविड वायरस है बच्चों में इसके क्या क्या लक्षण हैं। एक्चुअली अभी फिलहाल जब ये 7-8 महीनों में हमने जो देखा है ट्रेंड, तो यूजुअली ये मैक्सिमम बड़ों में ही दिखाई देती है। बच्चों में तभी टेस्ट होता है जब उनके घर में कोई एक मेंबर पॉजिटिव हो जाता है। बच्चों में यूजुअली है असिम्टोमेटिक तरीके में ही रहना है या माइल्ड सिम्टम्स आके चले जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल फ्लू का जो इन्फेक्शन है जिसमें थोड़ा सा बुखार आना, थोड़ा सर्दी होना, छींकना, खांसना और वो ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों का टेस्ट उतने फ्रीक्वेंटली नहीं होता है जैसे बड़ों का होता है। बच्चे तभी टेस्ट हो जाते हैं जब उनके घर के कोई मेंबर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यूजुअली बच्चों में अभी तक इतना सीवियर सिम्टम्स कुछ आया नहीं है, पर अगर सीवियरिटी हो तो वो आगे का ब्रेथलेसनेस या खांसी ज्यादा होना और SPO2 को कम होना, ये सब सिम्टम्स भी बच्चों में आ सकता है। पर अभी फिलहाल तो ये सोच के चलिए कि फ्लू के जैसा ही सिम्टम्स रहने वाला है, मे बी माइल्ड टू सीवियर फीवर, माइल्जिया मतलब मसल में पेन होना, बदन में दर्द होना और खांसी या सर्दी होना, मैक्सिमम छींकना। छींक में से ही वो फिर ड्रॉपलेट्स स्प्रेड हो जाते हैं एक दूसरे। That means कि पेरेंट्स को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा और इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए उन्हें। अगर कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। Now doctor, next question is, क्या बच्चों के लिए मेडिकल मास्क या N95 पहनना जरूरी है, या अगर वो कोई नॉर्मल मास्क भी लगाते हैं तो चलेगा, और किस एज के बच्चों को मास्क नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा?
जनरल गाइडलाइन ऐसे है कि 5 ईयर्स से कम के बच्चों को मास्क यूज करना जरूरी नहीं है. Okay. उनको इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाते. Yes. वो ज्यादा देर तक मास्क लगा के बैठ नहीं पाएंगे. वो बार बार मास्क को हाथ लगाएंगे. मास्क को हाथ लगा के आंख नाक में भी हाथ लगा सकते हैं जिससे वो फैलने का चांसेस बढ़ता है. मास्क इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो उन्हें बराबर से मेंटेन कर सकता है. Okay. जैसे मास्क लगा के उसके उसको कैसे निकालना है कैसे लगाना है ये जिनको अच्छे से मालूम है सिर्फ वो ही मास्क यूज कर सकता है. Okay. बच्चों में हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. इवन 5 साल के ऊपर के बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि उनको कैसे मास्क यूज करना है. वो ज्यादा टाइम तक वो मास्क लगा के बैठ नहीं सकेंगे. तो आप बाहर भी लेके जाए तो वो उतने टाइम के लिए रखें जितने टाइम के लिए वो भाग जाते हैं फिर से निकालते हैं. और एटलीस्ट 2 साल के कम के उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल भी मास्क लगाना जरूरी नहीं है. Okay. तो डॉक्टर और जो बच्चे यूज करते हैं मास्क उन्हें प्लेन क्लॉथ वाला ही मास्क यूज करना है. N95 की जरूरत नहीं है. Okay. तो डॉक्टर अगर जैसे कभी छोटे बेबीज को लेके कोई इम्पोर्टेंट काम हो गया और बाहर जाना पड़ा जैसे 2 साल से कम एज के बच्चे हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उनका फेस कैसे कवर? उनके फेस कवर नहीं कर पाओगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मान रखना पड़ेगा. आपको उनको बाकी के लोगों से दूर रखना पड़ेगा क्योंकि वो मास्क नहीं पहन सकते और क्लीनिंग भी उतना इजी नहीं. बट छोटे बच्चे जो है मदर और फादर के कंट्रोल में रहते हैं तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसे रहे. तो छोटे बच्चों में माँ बाप को ख्याल रखना है कि वो ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं आए और उनको क्लीन रखे. ये इम्पोर्टेंट है. वो मास्क नहीं पहन सकते. दैट्स गुड. आई थिंक पेरेंट्स को ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अभी एक स्लोगन चल रहा है माजा कुटुंब माजी जवाबदारी. यस. तो माँ बाप के जरूर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके बच्चों की ख्याल. वेरी ट्रू डॉक्टर. अभी डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना महामारी के बीच स्कूल खोलना कितना सेफ है क्योंकि आप शायद अवेयर होंगे इस बात से कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और टीचर्स भी जा रहे हैं पढ़ाने बट ये मैंडेटरी नहीं है कि बच्चों को जाना है. जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं. जो स्कूल जाना चाहते हैं वो स्कूल जा सकते हैं. लेकिन ऐसे डॉक्टर मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या एडवाइस करते हैं क्या सजेस्ट करते हैं क्या ये खोलना चाहिए स्कूल्स और अगर नहीं तो फिर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए. स्कूल खोलने में इतनी जल्दबाजी आई डोंट थिंक सो जरूरी है. बेसिकली प्रॉब्लम ऐसा है बच्चों में इवन इफ वो 8th या 9th स्टैंडर्ड के भी बच्चे हो तो वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं अभी फिलहाल क्योंकि 7 से 8 महीने हो चुके वो अपने फ्रेंड्स लोगों से नहीं मिले हैं. तो जैसे ही वो जाएंगे स्कूल अगर आप उनको बोले भी कि आप मास्क लगा के रखो सैनिटाइजर यूज करो या सोशल डिस्टेंसिंग रखो वो अपने फ्रेंड्स से डिस्टेंस रखना पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है. छोटे बच्चों में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक दूसरे से दूर रहे तो सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं पाएगा. दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल हम लोग ये स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी जो मैं पहले बोल रही थी तो हर्ड इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है. तो बीच बीच में केसेस बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं. स्पेशली ये विंटर सीजन में ये प्रॉब्लम है कि वायरस का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है ज्यादा फैलने का चांसेस ज्यादा है. तो एटलीस्ट ये विंटर सीजन में हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा कि जब तक हम लोग वैक्सीन न दे और एंटीबॉडी लेवल्स लोगों में बढ़ने न पाए तब तक वो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते. बच्चे बाहर निकल सकते हैं पर अगर जो बच्चे एक्चुअली वो मैनेज कर सकते हैं सिर्फ वही बच्चे जा पाएंगे. अभी फिलहाल पेरेंट्स के मन में भी बहुत सारा शक है तो कंसेंट देने में भी बहुत मुश्किल है. बिना कंसेंट का कोई स्कूल चालू नहीं कर पाएगा. दूसरी बात यह है कि वो जगह का एपिडेमियोलॉजी कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. मतलब वो जगह का केसेस कैसे है कितना फैल रहा है या कंट्रोल में आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है. तो जहां जहां स्कूल चालू हुए हैं उनमें वहां उस जगह में केसेस कम होने को चालू हुए हैं इसीलिए शायद उन्होंने चालू किया है. और मेन प्रॉब्लम स्कूल का ये है कि बच्चे एक दूसरे को ना फैलाए वो पॉसिबल है पर जो स्टाफ है उन पर आप कंट्रोल नहीं रख पाओगे. तो स्टाफ की
जैसे वो स्कूल जाने के लिए भी स्कूल बस यूज करना पड़ता है, ट्रैवलिंग भी जरूरी है और स्कूल में भी स्टाफ और टीचर्स बहुत सारे होते हैं तो कॉन्टैक्ट आने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि बच्चे अगर असिम्प्टोमेटिक हो तो भी चलता है, पर वो घर पे आके बाकी के लोगों को फैलाने का चांसेस ज्यादा है। अगर किसी जगह पे ओल्ड एज के लोग हैं, जैसे उनकी दादा दादी है जो 60 ईयर से भी ऊपर है, इनको वो बच्चे आके फैलाएंगे वो चांसेस बढ़ जाता है। तो जब तक वो हर्ड इम्यूनिटी है तो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि सीनियर पीपल ज्यादा है घर में और वो सीनियर पीपल को प्रोटेक्ट करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो स्कूल चालू करने में इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अगर चालू भी करे तो बड़े बच्चों को चालू कर सकते हैं, छोटे बच्चों में मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। वेरी ट्रू डॉक्टर, तो आई डोंट थिंक ये कोई वाइज डिसीजन है। वेरी ट्रू डॉक्टर, नहीं अभी फिलहाल तो छोटे बच्चों के लिए डिफिकल्ट। अभी डॉक्टर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आजकल आप लोग जब बच्चों को ट्रीट करते हैं, आपके क्लिनिक पे बच्चे आते होंगे, तो आपका स्टाफ जो आपकी टीम है वो किन किन बातों का ध्यान रखती है और आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं सब? और ये हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी ट्रबल हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, उनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो क्लिनिक जाके हम ज्यादा इन्फेक्ट हो जाएं या और कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप प्लीज बताएंगे ताकि बाकी पेरेंट्स का हौसला बढ़े और ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको अप्रोच कर सके। हमारे क्लिनिक में हम ये ख्याल रखते हैं कि बेसिकली जो बच्चे आते हैं उनके साथ जो बड़े भी आते हैं उनसे भी ये फैल सकता है, तो हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि हम बच्चों के साथ उनके साथ जो पेरेंट्स आए या रिलेटिव्स आए हैं उनको भी ये क्वेश्चन पूछें कि उनको या फीवर था या सर्दी खांसी कुछ हो, ये ख्याल रखने को बोलते हैं कि उन्हें मास्क लगा कर ही अंदर आना है, बिना मास्क का क्लिनिक में हम एंट्री नहीं देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना जरूरी है, तो बच्चों को हम लोग वैक्सीन के लिए या किसी के लिए भी अगर फोन करते हैं तो हम लोग वो टाइम देख के बुलाते हैं जब गर्दी ना हो, ज्यादा लोग क्लिनिक में ना हो, ताकि वो किसी चीज को एक्सपोज ना हो, जैसे ही उनको आए वो वैक्सीन ले और चले जाए, उनको वेट नहीं करना पड़े। कोई पेशेंट क्लिनिक में वेट करते हुए बैठना नहीं चाहिए, ये ख्याल रखना जरूरी है। पेरेंट्स के साथ रिलेटिव्स को भी कोई सिम्टम्स है कि नहीं ये देखना जरूरी है, उनका टेम्परेचर चेक करना जरूरी है और बेसिकली जैसे ही पेरेंट्स आके जाते हैं क्लीन करना, जगह क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही कोई पेशेंट आके दिखा के जाता है रूम फिर से क्लीन हो जाता है तो ताकि वो नेक्स्ट पेशेंट को देख सके। okay, ये ख्याल रखते हैं। That's very good. I think कि इतनी सारी चीजों का आप लोग ध्यान रख रहे हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, तो पेरेंट्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग तो श्रींद और गाउन पहनते ही है ताकि हम लोग से किसी और को तकलीफ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने पेशेंट्स को इतने अच्छे से आप लोग हैंडल कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए और अगर बच्चों को कुछ भी फ्लू कफ कोल्ड कुछ भी होता है तो उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ कोरोना ही नहीं बाकी की चीजें भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन है, लूज मोशंस भी बढ़ जाते हैं और सर्दी खांसी बाकी के चीजों की वजह से भी बढ़ता है। तो ये सब चीजों में अगर घर पे दवाई लेके वेट करते रहे तो बीमारी का बढ़ने का चांस बढ़ जाता है और आगे मुश्किलें बढ़ जाती है। तो जैसे ही कुछ तकलीफ हो उनको बिना कुछ हिचकिचाए क्लिनिक में जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब चाहिए तो डॉक्टर को डायरेक्टली फोन कर दो, उनसे अपॉइंटमेंट ले लो, वही टाइम पे आके उनको दिखा के चले जाओ, पर दिखाना जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशन का ऑप्शन अभी हो भी तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सिम्टम्स सुन सकते हैं पर हम लोग चेक नहीं कर पाते। वेरी गुड, सिंपल सिम्टम्स रहेंगे तो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। देयर आर गाइडलाइंस फॉर टेली कंसल्टेशन, जैसे टेली कंसल्टेशन जब होगा तो कोई कोई मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब भी नहीं कर पाते, सब चीजें प्रिस्क्राइब करना अलाउड नहीं है। सिंपल चीज है जो फॉलोअप के मेडिसिन से वो सब हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पर जो मेजर थिंग्स है वो बिना देखे नहीं दे सकते और अलाउड भी नहीं। तो टेली कंसल्टेशन के अपने खुद के जो लिमिटेशन है उन्हें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो फिजिकल कंसल्टेशन उतना ही जरूरी है। तो आई थिंक कि ये सुनने के बाद तो पेरेंट्स बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे और अपने बच्चों को
रेगुलर जैसे चेकअप कराते थे वैसे दिखाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन भी देना बहुत जरूरी है। यस, वैक्सीन भी देना बहुत जरूरी है, जरूरी है। उसका शेड्यूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो बीमारियां हैं वो ज्यादा खतरनाक है ये कोविड से। वेरी ट्रू। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि बिना टाइम वेस्ट किए टाइम टू टाइम अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं, और कुछ भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे आर टू स्मॉल तो डॉक्टर से डायरेक्टली अप्रोच करें वो। ओके डॉक्टर, अभी लास्ट में जाते जाते आप पेरेंट्स के लिए कुछ टिप शेयर करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि कोविड से इतना डरे नहीं, क्योंकि इतना सीवियर डिजीज नहीं है, पर एट द सेम टाइम अपना अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रहती है। तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइज करना अपने हैंड्स को, हाथ मुंह पे नाक पे आंख में हाथ नहीं लगाना, ये उतना ही जरूरी है। पर डर डर के घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू गो आउट बट यू शुड नॉट क्राउड, क्राउडिंग करना अवॉइड करना ही होगा जब तक हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि कोविड का ट्रांसमिशन कम हो गया है। तब तक अपने आप का ख्याल हमारे हाथ में है और बिना डरे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। वेरी ट्रू डॉक्टर, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें शेयर की। काफी सारे डाउट्स मुझे लगता है भी क्लियर हो गए होंगे। नॉर्मली ये कंसर्न पेरेंट के होते ही हैं और वो भी हमसे पूछते रहते हैं, तो हमने सोचा कि इट वुड बी वाइस अगर हम आपसे ये सारी चीजें डिस्कस करें। तो ये सारी बातों का पॉजिटिव मैसेज जाएगा हमारे पेरेंट्स तक, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको टाइम निकालने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। आई होप कि आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा। हमारे आज के सेशन में हमने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके कंसर्न्स हैं, और जैसा डॉक्टर राजश्री जोशी ने कहा है, हमें अपने बच्चों को गाइड करना है, हमें उन्हें ट्रेन करना है कि मास्क पहनने का और उसे हैंडल करने का करेक्ट मेथड क्या है। हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, हमें इस बीमारी से लड़ना है और अपने बच्चों को भी वही सिखाना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे रूल्स को ठीक से फॉलो करें, जैसे जरूरी हो तभी बाहर निकलें, बाहर निकलते ही मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और अगर आपने किसी भी सरफेस को टच किया है तो अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना। बस इतने से रूल्स को हमें फॉलो करना है और हम कोविड 19 को हरा सकते हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और अवेयरनेस स्प्रेड करिए। आज के लिए बस इतना ही। टीम सैपलिंग्स की तरफ से आप सबको थैंक यू।